अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद किड्स। आज की वीडियो में बनाएंगे हम चिकन का सालन विद वाइट राइस, जो कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को भी दे सकते हैं और 1 साल से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनको तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए है जी चिकन 2 पीस लिए हैं। आप चाहें तो इनके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। और स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है इसमें थोड़ा सा प्याज, अदरक लिया है, लहसुन लिया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। अदरक मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ और लहसुन तो मैं मोस्टली हंजला की चीज़ों में यूज़ करती हूँ। यहाँ पर टमाटर लिया है या और कलौंजी, थोड़ी सी मैंने कलौंजी ली है, ज़ीरा लिया है, हल्दी ली है और काली मिर्च का पाउडर ले लें या काली मिर्च साबित ले लें, मैंने काली मिर्च साबित ली है। और ये छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का मैंने लिया है और एक मैंने छोटी इलायची ली है। और वीडियो का एंगल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो गया है, तो फिलहाल इसी तरीके से आप देखिए, आगे जाके ठीक हो जाएगा। बट वीडियो स्टार्ट करते हुए अंदाज़ा नहीं रहा, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी आपको इस तरह को देखने को मिल रही है, तो उसके लिए माजरत है। बाकी आप रेसिपी देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब इस खाली पैन में मैंने बटर ऐड किया, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मक्खन ऐड कर सकते हैं या आप देसी घी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें प्याज, प्याज को हल्का सा सोते किया और उसके बाद लहसुन और मैंने इसमें अदरक डाल दिया। इन तमाम चीज़ों को भी हल्का, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा और ओवर मतलब कुक नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा इसको मैंने मिक्स किया। थोड़ा सा बाकी जो स्पाइसेस थे वो भी सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए एक साथ, और इनको बिल्कुल मामूली सा कुछ सेकंड के लिए मैंने इनको मिक्स किया ताकि जो एक कच्चापन है चीज़ों का वो ख़त्म हो जाए। बाकी इनको ओवर कुक किसी भी चीज़ को नहीं करना। और इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ी देर बाद, जब ये थोड़ा सा सोते हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, टमाटर गल जाए, उसके बाद चिकन के जो पीसीज आपके पास पड़े हुए हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया, मैंने 2 पीस लिए हैं और मैंने फुल ऐड कर दिए, क्योंकि गलने के बाद इसको आप पीसीस कर सकते हैं। अगर आप छोटे पीस डालना चाहते हैं या बोनलेस डालना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे हड्डी वाले लिए हैं और दोनों पीस मैंने इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा, इसको भी फ्राई करेंगे, इसको इतना फ्राई करेंगे, इन चीज़ों के अंदर मिक्स करेंगे कि इसका जो कलर है चिकन का वो चेंज हो जाए। जब ये हल्का सा पिंक हो जाएगा और ये देखें इसका जो कलर है इस कंडीशन में आ जाए, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। और उसके बाद इसके अंदर आप पानी ऐड कर दें। पानी आप इतना ऐड करेंगे कि इसकी जो अच्छी सी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, ताकि राइस में डाल के बच्चा इसको इजीली खा सके। और जब तक हमारा सालन बनता है, यहाँ पर चावल भी तैयार कर लेते हैं। चावल बिल्कुल सिंपल बनाने हैं, इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना, नमक भी नहीं ऐड किया, क्योंकि जो सालन बनाया है चिकन को उसके अंदर मैंने सब कुछ डाला हुआ है, इसलिए इसके अंदर मैंने सिर्फ पानी को बॉईल किया और चावल डाल दिया और उसके बाद इसको दम दे दिया और चावल मैंने तैयार कर लिए। ये था जी सिंपल सा चावल बनाने का। अगर आप वैसे नॉर्मल देना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा नमक 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें सालन बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से गल चुका है, चावल भी तैयार हैं। ये दोनों चीज़ें आप 1 साल से कम उम्र के बच्चों को, जैसे हंजला अभी 12 मंथ में है तो मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, और अगर 1 ईयर से अब आपके बच्चे हैं तो आप दे सकते हैं। अभी जी हंजला को ये मैं सर्व करने लगी हूँ, बहुत ही डिलीशियस, मज़े का बनेगा, ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। कान है, कान है मेरे बेटे में। सो जनाब, ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे aliyaali.official के नाम से फॉलो भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। खा लो, खा लो, लो मैं खिलाऊं। ये आप भी खाओ, इस हैंड में लो, राइट हैंड में लो, ये लो, इधर से पकड़ो, खा लो, खा लो। यम यम यम, राइस भी खाएंगे मेरे। ए लो बिस्मिल्लाह, ऐशे गुड बॉय। मज़े का है, मज़े का लग रहा है मेरे बेटे को। लो ये भी।